हाँ जी दोस्तों, स्वागत है थोड़ा एक बार फिर तो पंजाब न्यूज चैनल दे विच। ते मैं तरसेम सिंह मठाड़ू ते हाजर दी तरह लैके हाजिर हुए अज के दिन दियां वड्डियां खबरां। ते खबरां शुरू कर तो पहला जिन्ना वीरां ने चैनल नूं सबसक्राइब नहीं कीता सबसक्राइब जरूर कर लो जे, ते नाल लगी कांटी दे बटन नूं जरूर प्रेस कर लो जे, तां जो जिहड़ी असीं नवीं वीडियो पावांगे उहदी तुहानूं नोटिफिकेशन मिल जाया करूगी। तो दूजी बेनती यह है कि जे मेरे द्वारा दी जानकारी तुहानूं वधिया लगी तां वीडियो नूं लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। तो हुण असीं गल्लबात करते हैं जी अज दीआं चोणवीआं खबरां दी। पहली चोणवी खबर है जी, कैप्टन सरकार दा अहम फैसला, पंजाब दे विद्यार्थियों नूं मिलेगी वड्डी राहत। घर बैठे ही 17 सूबे लई ट्रैवल ई पास हासिल करो, बस करना होवेगा ये काम। कर्मचारी पी एफ विच 10% तों वध योगदान पा सकदे हन, किरत मंत्रालय। अलर्ट, चंडीगढ़ समेत पंजाब हरियाणा ते भी अम्फान तूफान का खतरा हो सकता है, भारी नुकसान। अनुसूचित जातियां दे गरीब लोगों नूं करोना महामारी तो उभरन लई लखां दी सबसिडी जारी। 1 जून तो देश विच चलणगियां 200 नॉन एसी ट्रेनां, जल्द शुरू होवेगी ऑनलाइन बुकिंग। आधार कार्ड गुआच गया है तो इस तरह प्राप्त करो नवा कार्ड, जानो पूरा प्रोसैस। 25 मई तो घरेलू हवाई सेवावां होणगीआं शुरू, हरदीप सिंह पुरी। विदेशां तो वापस आ रहे पंजाबियां ते एनआरआईज़ लई दिल्ली हवाई अड्डे ते पंजाब ने कायम किया सुविधा केंद्र। कैप्टन सरकार वल्लों प्राइवेट क्लीनिका ते लिया गया अहम फैसला। पंजाब विच करोना पॉजिटिव मरीजों का अंकड़ा 2000 दे पार, पर सिर्फ 173 एक्टिव केस। बठिंडा विच सरकारी बसां नूं पहले दिन मठा हुंगारा, बिना मास्क तो घूम रहे नौजवानों के खिलाफ मामला दर्ज। कोरोना वायरस के कहर च वर्ल्ड बैंक का खुलासा, दुनिया भर में 6 करोड़ लोगों को करना पवेगा गरीबी का सामना। तो दोस्तों ये सीगियां चोणवीआं खबरां, ते गल्लबात करते हैं जी कि पहली खबर दी। कैप्टन सरकार का अहम फैसला, पंजाब के विद्यार्थियों नूं मिलेगी वड्डी राहत। पंजाब सरकार ने अहम फैसला लैंदे सूबे में डॉक्टरी की पढ़ाई करवाने वाली सारिया सिक्ख्या संस्थावां की फीस एक कर दी है, यानी हुण प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में सरकारी फीस कॉलेजों के बराबर फीस ली जाएगी। तो मैडिकल सिक्ख्या उप मंत्री ओम प्रकाश सोनी ने दसिया कि सरकारी मैडिकल सिक्ख्या के खोज विभाग वालों साल 2020 जारी नोटिफिकेशन सुधार कर दिता गया। तो उन्होंने कहा कि कई अदारे मैडिकल की पढ़ाई में साल 2015 लागू की फीसा तो काफ़ी वध रकम वसूल रहे सन। हालात ये सन कि बठिंडा के आदेश यूनिवर्सिटी वालों एम डी करने वाले विद्यार्थियों को 16.5 लाख फीस वसूली जा रही थी, जबकि सरकारी फीस सालाना 6.5 लाख रुपए है। तो हम जो इन्हों प्राइवेट कॉलेजों से सरकारी कॉलेजों की फीस नू एक कर दिता गया। अगली वड्डी खबर जी, कि घर बैठे ही 17 सूबे लिए ट्रैवल ई पास हासिल करो, बस करना होगा ये काम। कोरोना वायरस महामारी कारण देशव्यापी लॉकडाउन में 31 मई तक वधा दिता गया। तो इस बार चौथे पड़ा के लॉकडाउन में सरकार वालों कुछ ढिल दी गई है, तो लोग किसी जरूरी काम लिए एक शहर तो दूजे शहर जा सकते हैं, पर अंतरराज्य यात्रा करने लिए उन्होंने ई पास की जरूरत होगी। तो ई पास हासिल कर ले तुसी अपनी राज सरकार की वैबसाइट पर या केंद्र सरकार की इकली एक्सैस वैबसाइट पर अर्जी दे सकते हो। ई पास की प्रक्रिया आसान बनाने भारत सरकार ने एक सिंगल एक्सैस वैबसाइट serviceonline.gov.in ई पास की शुरुआत की, जिससे जाके तुसी अपने ई पास अप्लाई कर सकते हो, तो तुहानू 1-2 दिनों के जिहड़ा ई पास मिल जाएगा। अगली वड्डी खबर है जी, कि कर्मचारी पी एफ विच 10% तो वध योगदान पा सकते हैं, किरत मंत्रालय। किरत मंत्रालय ने कहा है कि कर्मचारी अगले 3 महीने लिए अपनी मुढ़ली तनखा के 10% तो वध प्रोविडेंट फंड यानी पी एफ विच योगदान कर सकते हैं। हालांकि कंपनियां कर्मचारियों के बराबर दर से योगदान पाने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय ने इस संबंध में एक बयान जारी किया कि इस विच कहा गया कि ई पी एफ स्कीम 1952 के तहत किसी भी मैंबर को विधि विधान तो वध की दर से योगदान पाने का विकल्प होंगे, पर कर्मचारी के संबंध में कंपनी अपने योगदान 10% तक सीमित कर सकती है। बयान में स्पष्ट रूप में कहा गया कि समाजिक सुरक्षा योजना में मालकों का योगदान मई जून और जुलाई में क्रमवार जून जुलाई और अगस्त में प्राप्त हुई तनखा का 10% होगा।
अगली वड्डी खबर है जी कि अलर्ट चंडीगढ़ समेत पंजाब हरियाणा से भी अम्फान तूफान का खतरा हो सकता है भारी नुकसान। बंगाल की खाड़ी तो उठे चक्रवाती तूफान अम्फान पछमी बंगाल बंगलादेश उड़ीसा के नाल होरना सूबों लिए भी खतरा बनता दिखाई दे रहा है। तो मौसम विभाग वालों अलर्ट जारी किया गया कि चंडीगढ़ समेत पंजाब ते हरियाणा विच भी ये जिहड़ा तूफान है दस्तक दे सकता है। 21 मई तो बाद चक्रवाती तूफान आने की पूरी संभावना दर्शाई गई है। तूफान के कारण चंडीगढ़ समेत मोहाली और पंचकूला में मौसम का मिजाज होर बिगड़ सकता है। इस नाल तेज हवावां भी चलनगियां। अगली वड्डी खबर है जी कि अनुसूचित जातियों के गरीब लोगों को कोरोना महामारी तो उभारन लई लखां दी सबसिडी जारी। पंजाब अनुसूचित जातियां भाव विकास अते वित्त कारपोरेशन ने सूबे दे अनुसूचित जातियां दे गरीब लोगों नूं कोविड-19 महामारी तो उभारन लई 140.40 लाख की सबसिडी जारी की। इस बारे जानकारी दिंदिया कारपोरेशन के चेयरमैन मोहन लाल सूद ने दस्सिया कि कोरोना महामारी दौरान पूरी दुनिया च आर्थिक तौर पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पिया है। उन्होंने कहा कि इस कारण बहुत सारे लोग रुजगार तो वांझे हो गए ने, गरीब परिवारों की रोजी रोटी से बहुत बुरा प्रभाव पे। सूद ने दसा कि अनुसूचित जातियों के गरीब परिवारों को आपो अपना रुजगार स्थापित करने लिए बैंक टाई अप स्कीम तहत 1404 लाभार्थियों को अपना रुजगार स्थापित करने लिए 140.40 लाख रुपए की सबसिडी जारी कर दी गई है। इस नाल अपना जो रुजगार खुद का रुजगार स्थापित कर सकेंगे। अगली वड्डी खबर है जी कि 1 जून तो देश में चलनगियां 200 नॉन AC ट्रेना, जल्द शुरू होगी ऑनलाइन बुकिंग। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने रेल संचालन नूं लैके वड्डा ऐलान कर दिता है। पीयूष गोयल ने दस्सिया कि 1 जून तो देश के 200 AC अते 9 AC ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। इस दी ऑनलाइन बुकिंग जल्द शुरू होगी ते विंडो टिकट नहीं मिलेगी। दसनयोग है कि कोरोना संकट दौरान देश च लॉकडाउन लागू है ते सरकार हौली हौली सारे खेतरां नूं खोलण दी कोशिश कर रही है। 24 मार्च तो लागू लॉकडाउन के पिछले करीब 60 दिनों तो रेल सेवा भी बंद है। हालांकि कुछ ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है ते 1 जून तो जिहड़ियां सारियां ट्रेनां रेल विभाग वल्लों चला दित्तियां जाणगियां। अगली वड्डी खबर जी कि आधार कार्ड गुआच गया तो इस तरह प्राप्त करो नवा कार्ड, जानो पूरा प्रोसैस। अज के समय में आधार कार्ड सारे लिए सब तो प्रमुख पछाण पत्र बन गया है। तो 12 अंकों की विशेष पछाण जारी करने वाले UIDAI ने आधार कार्ड की PDF डाउनलोड करने की सुविधा दी है। जेकर तुहानू आधार नंबर नाल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जां ईमेल ID याद है तो ई आधार कार्ड डाउनलोड करना बहुत आसान है। आसानी नाल UIDAI की वैबसाइट तो आधार कार्ड का PDF डाउनलोड करके प्रिंट किया जा सकता है, जिस नाल तुहाडा आधार कार्ड है जी फिर तो बन जाएगा। अगली वड्डी खबर जी कि 25 मई तो घरेलू हवाई सेवावां छोड़नगियां शुरू। हरदीप सिंह पुरी, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ऐलान किया कि 25 मई तो घरेलू हवाई सेवावां नूं शुरू होने जा रही ने। तो उन्होंने कहा कि देश में घरेलू हवाई सेवावां सोमवार 25 मई तो क्रमबद्ध तरीके नाल शुरू हो जाएंगी। तो उन्होंने ट्वीट करके दसा कि हवाई अड्डा ते हवाई सेवावां नूं इस बारे सूचित किया जा रहा है, जल्दी ही हवाई सेवावां नूं पूर्ण तौर पर चालू कर दिया जाएगा। अगली खबर है जी, विदेशों तो वापस आ रहे पंजाबियों ते NRIs लई दिल्ली हवाई अड्डे ते पंजाब ने कायम किया सुविधा केंद्र। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र नूं वापस आ रहे लोगों नूं आपो अपने जिले तक पहुँचाने लई बेहतर तालमेल अते अगलेरे सफर नूं यकीनी बनाने लई आख्या है। ते पंजाब सरकार ने इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ते नवी दिल्ली विखे सुविधा केंद्र स्थापित किया, जिस नाल विशेष उड़ाना रहे विदेशों तो वापस आ रहे पंजाबियों नूं सूबे विच उन्हां नाल संबंधित जिलों च भेजने लई मदद की जाएगी ते उन्हां नूं संस्थागत एकांतवास विच रहना पवेगा। अगली वड्डी खबर है जी कि कैप्टन सरकार वल्लों प्राइवेट क्लीनिकां ते लिया गया अहम फैसला। कोविड-19 खिलाफ जारी जंग नूं होर तेज़ करदे हुए पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दी अगवाई हेठ सरकार वल्लों एक नोटिफिकेशन जारी करके ऑर्डिनेंस लियांदा गया है, जिस दे तहत जिन्हां प्राइवेट क्लीनिकां दी 50 बैंडां तों उपर दी समर्थ है वह क्लीनिक कोविड-19 खिलाफ जंग विच शामिल किए जाणगे। अगली वड्डी खबर है जी कि पंजाब च कोरोना पॉजिटिव मरीजां दा अंकड़ा 2000 दे पार पर सिर्फ 173 एक्टिव केस। पंजाब विच कोरोना केसां दी हुण थोड़ी रोक लगी है। अज 3 नवें व्यक्तियों का कोरोना टैसट पॉजिटिव आया, जिस नाल बुधवार नूं पंजाब दे कोरोना मरीजां दा अंकड़ा 2005 हो गया। पर राहत भरी खबर यह है कि इन्हां विच सिर्फ 173 एक्टिव केस हन। अज अमृतसर, गुरदासपुर और जलंधर विचों एक एक मरीज सामने आया। अमृतसर तो पॉजिटिव आया मरीज महाराष्ट्र तो परत्या सी।
अगली बड़ी खबर है जी कि बठिंडा च सरकारी बस सेवा नूं पहले दिन मठा हुंगारा। पंजाब सरकार वल्लों दो महीनों बाद शुरू की गई बस सेवा नूं मठा हुंगारा मिलिया। अज मसां एक दर्जन तो दत्ता वध बसां चलिया, जदों कि आम हालातों च बस अड्डे च तेल सुट्टन लई थां नहीं हुंदी है। हालांकि बठिंडा बस अड्डे च अज थोड़ी रौनक पाती, पर वह चहल पहल नहीं सी जो आम दिनों विच हुंदी सी। इसलिए जिहड़ा पहले दिन है जी सरकारी बस सेवा नूं मठा हुंगारा मिलिया है। तो अगली वाली खबर जी कि बिना मास्क तो घूम रहे नौजवानों खिलाफ़ मामला दर्ज। जी हाँ दोस्तों, कोरोना महामारी के चलदे पंजाब सरकार वालों फेस मास्क पाउणा जरूरी करार कर दिता गया। तो DSP सतीश कुमार और SHO इकबाल सिंह की देख रेख हेठ राकेश कुमार SI वालों एक नौजवान बिना फेस मास्क पैदल चलदियां नूं काबू किया गया। तो नौजवान ने अपना नाम अमनदीप सिंह पुत्र महेंद्र सिंह वासी पिंड बगवाई थाना गढ़शंकर दसे। इस तरह SI सुभाष चंद्र ने चौंकी इंचार्ज समुंदड़ा की अगवाई वाली पुलिस पार्टी ने चक्का सिंह मौड़ा समुंदड़ा तो एक नौजवान नूं बिना मास्क पैदल जाते काबू कर लिया। तो उन्होंने जी बनती कार्रवाई की गई। इसलिए तुहानू सारयां नूं बेनती है कि जे तुसीं बाहर निकलना दोस्तों तां मूँह ते फेस मास्क जरूर पहनया होवे ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੋ। ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਹਿਰ 'ਚ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ 6 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ 6 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸੈਂਟਰਲ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਆਲਮੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਿਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 100 ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ $160 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ। ਸਾਰੀ ਮਦਦ 15 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ।